स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का रिमिस गार्डन चैनल में। मैं अंजलि, आज मैं आप सभी को मात्र एक पत्ते से बहुत सारे पौधे उगाना सिखाऊंगी, जिसका नाम है कैलेंजियो। जी हाँ दोस्तों, जो फूलों का पौधा है और बहुत सारे अलग अलग वैरायटी में आते हैं, अलग अलग रंग में, जो बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं देखने में। वैसे तो ये कटिंग और बीज दोनों से लगते हैं, लेकिन अगर आपको खरीदना भी नहीं है और ना ही कटिंग मिल रहा है, तो आइए मैं आपको बताती हूँ। अगर कोई पड़ोसी के पास है तो वहां से मात्र एक पत्ते तोड़ ले आए, उसके बाद उसको कैसे उगाना मैं बताऊंगी। आहा, कितना खूबसूरत सब फूल है ना। एक ही पौधे में इतने सारे फूल आए हुए हैं, बंचेस में हैं, बहुत सारे खूबसूरत फूल गुच्छे में खिले हुए हैं और इनका सीजन अब ऑफ होने को है। देखिए, ज़्यादातर फूल मुरझा चुके हैं, इनकी कटिंग तैयार की जा सकती है। पर अगर पौधा आपका नहीं है तो आप कुछ पत्ते तो तोड़ ही सकते हैं, वैसे भी ये बेकार होने को है। ये देखिए, एक एक करके हम दो चार पत्ते तोड़ लेते हैं, फर्स्ट टाइम है तो हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। दो चार ज़्यादा ही पत्ते तोड़ें, क्या पता कितने से पौधा तैयार हो पाए और कितने बेकार हो जाएं। तो हमने ये चार पत्ते तोड़ लिए, बारिश भी हल्की हल्की हो रही है, एक छोटा पत्ता और हमारे पास आ गया है। कुल मिलाकर हमारे पास 5-6 पत्ते हो गए हैं। हमने इसे पानी में ही रखा है, हालांकि बारिश के पानी में ये ऑलरेडी धुल चुके हैं, इन्हें और धोने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन हम इसे पानी में ही रखने वाले हैं। हम इसे घर के अंदर ढक के रख देते हैं और 24 घंटे के बाद देखते हैं कि क्या चेंजेस आए हैं। ये पत्ते को हम पानी में हल्का पानी देकर पूरी तरह से डुबोते नहीं है। देखिए, पूरी तरह से डुबोने के बाद क्या हुआ, एक पत्ता पूरी तरह से गल गया है, ख़राब हो गया है। तो हम बाकी के पत्तों को कुछ इस तरह से इसमें रखेंगे कि उसकी डंडी वाला हिस्सा वो पानी में डूबा रहे। ये देखिए, छोटा सा, बहुत छोटा सा इसमें आपको दिख रहा है, ये प्रवर्ध इसे हिंदी में कहते हैं। ये बाद में आगे जाकर नया पौधा में तब्दील हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये छोटे छोटे इसमें ग्रोथ, छोटे ग्रोथ शुरू हो गए हैं। हम डंडी वाले हिस्से को ही पानी में डुबो कर रखेंगे, पूरी डूबी हुई पत्ती ख़राब हो गई है, ये चीज़ हम देख सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको क्लोजअप में दिखा देती हूँ। 3 दिन के बाद पत्तों की डेवलपमेंट हम फिर से देखेंगे। ये देखिए, 3रे दिन अब ये जो इसमें डेवलपमेंट हो रही थी वो अब क्लियरली नया प्लांट जैसा विजिबल हो रहा है, आप देख सकते हैं। हमने बीच बीच में इसका पानी बदला है, रोज़ाना इसके पानी को चेंज किया है, और ये चीज़ तो क्लियरली विजिबल है कि आप अगर पत्ते से पानी में पौधा उगाना चाह रहे हैं तो हर पत्ते से एक पौधा उग रहा है, यानी कि पौधे की जो डंडी है उस जगह से एक नया पौधा तैयार हो रहा है, ये क्लियर है। यानी जितने पत्ते हमने लिए थे, मैक्सिमम पर पत्ता पर लीफ एक पौधा तैयार हो जाएगा। तो अब हम इसे मिट्टी में भी ट्राई करते हैं। मिट्टी में जब हम पत्ते को इस तरीके से किसी भी गमले में उल्टा करके डाल देते हैं, तो अगले 2 से 3 दिन के बाद पत्तों के किनारे पर ढेर सारे नए पौधे अपीयर हो रहे हैं। मैं आपको पास से दिखाती हूँ इसे, मैं देखिए, इसमें ढेर सारे छोटे छोटे पौधे अपीयर हो रहे हैं, ये विजिबल हैं। और मैं आपको इसे उलट के भी दिखा देती हूँ, इसमें दूसरे हिस्से में जो मिट्टी की तरफ था वहाँ पे आपको रूट्स दिखेंगे। ये देखिए, टाइनी रूट्स जो मिट्टी से न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करना सीख गए हैं। आप अभी इसे कुछ दिनों तक इसी गमले में रहने दें, नॉर्मल ये फूलों वाला गमला है, इसमें जब आप वाटरिंग करते हैं तो इस पत्ते को भी न्यूट्रिशन मिलता है, पानी मिलता है। जब पौधे में 3 से 4 पत्ते आ जाएं तो आप इन्हें सेपरेट करके ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, नया पौधा तैयार हो जाएगा, या चाहे तो थोड़ा और रुक सकते हैं, पर पौधे तैयार करने का ये बिल्कुल सही समय है। अलग अलग गमलों में लगाइए, पौधे रेडी हो जाएंगे। अगर आप इसमें पानी दिए तो अच्छी बात है, और अगर नहीं दिए वो भी बहुत अच्छी बात, क्योंकि इसमें पानी की जरूरत ही नहीं है, बस इसे आप धूप में रखें, इसमें बस धूप लगनी चाहिए। और अच्छा लग रहा है ना ये फूल, ये है कैलेंजियो।
इसे देख के आपके चेहरे में खुद ब खुद स्माइल आ जाएगी, क्योंकि ये इतना प्यारा जो है, और इसमें अलग अलग वैरायटी से अलग अलग कलर के फूल भी आते हैं, और इसकी केयर आपको तो बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये खुद इतने सुंदर है, आपको इसको देख के खुद चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। कैलेंचो या पत्थर चट्टा लो केयर या नो मेंटेनेंस प्लांट की कैटेगरी में आता है। इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है, बंचेज में होती है, और इसमें एक बार फूल खिलते हैं तो अगले 3 महीने तक खिले ही रहते हैं। बावजूद इसके आपको इनकी देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होती है, ना तो इसे खाद की ज़रूरत होती है और ना ही किसी स्पेशल देखभाल की। इसे बस आपको धूप में रखना है। इतना ध्यान रहे कि इसके गमलों में जल जमाव नहीं होना चाहिए, यानी कि वाटर लॉगिंग इसमें नहीं होनी चाहिए। वाटर लॉगिंग से ये तुरंत ही गल जाते हैं। पानी आप हफ्ते, 2 हफ्ते या 4 हफ्ते में भी दे सकते हैं। इनकी पत्तियों में ही पानी स्टोर्ड रहता है। कैसे लगी मेरी वीडियो? अगर आपको भी ऐसा पौधा चाहिए तो मेरे वीडियो को देखिए, और अगले साल तक सेम ऐसा ही, इससे भी अच्छा अलग अलग वैरायटी में आपके पास कैलेंचो का पौधा होगा। अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें और लाइक करें चैनल को। थैंक यू।